हाय दोस्तों, अब बात करते हैं हम कहाँ पे लिनक्स के ऊपर, या फिर आप लिनक्स एडमिन हो, कैसे किसी फाइल और फोल्डर को डिलीट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिलीट करना सीखेंगे इस वीडियो में। और दोस्तों एक बात और समझ लो, अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो तो जब आप डिलीट करने जा रहे हो किसी फाइल किसी फोल्डर को, तो मेक श्योर आपके पास अगर परमिशन है यू कैन डिलीट। तो वाया आरएम कमांड हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, रिमूव करते हैं। आर एम स्टैंड फॉर रिमूव, राइट। अब एक्चुअल में कंपनी के अंदर होता क्या है समझो, मान के चलो एक यूजर है, ये यूजर है रोशन नाम का। ठीक है, अब ये रोशन नाम का यूजर है, इसको मैंने मान के चलो मैं एडमिन हूं, और इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ रीड की परमिशन दी है। ठीक है, कि ये सारा का सारा सिर्फ रीड कर सकता है, इसको ना ही राइट की परमिशन है ना ही एग्जीक्यूट करने की परमिशन, सिर्फ रीड कर सकता है। मान के चलो ये क्या करता है, सर्वर को लॉगिन किया, और गुस्से में आके जो मेरी डायरेक्टरी बनी हुई है, किस नाम की, मास्टर नाम की डायरेक्टरी, मान के चलो उसके अंदर मैंने कुछ डेटा कॉपी किया, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। इसने क्या किया, आरएम कमांड का यूज किया, rm-rf और मास्टर नाम की डायरेक्टरी, और जैसे इसने एंटर किया तो यहाँ पे एरर बोल देगा। क्या बोलेगा, कि आपके पास अथॉरिटी नहीं है इस मास्टर नाम की डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने इसमें पॉलिसी रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है। ठीक है, वाया chmod मैंने, या फिर ACL के थ्रू मैंने इस डायरेक्टरी में परमिशन लगाया कि एक नॉर्मल यूजर इसे डिलीट ना कर सके, क्योंकि इसके अंदर इंपॉर्टेंट डेटा रखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। अब आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, आपके पास परमिशन है, तो यू कैन डिलीट, राइट। तो डिलीट करने के लिए पहले आपको कंफ्यूज नहीं होना, बी केयरफुल, ये मतलब एक आरएम कमांड, मतलब समझ लो कि आपको एक केयरफुल होना पड़ेगा जब आप आरएम कमांड यूज कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो कोई भी फाइल एंड फोल्डर, राइट। सो इट इज वन ऑफ दी एसेंशियल कमांड, सो एवरी लिनक्स यूजर शुड बी फैमिलियर दिस आरएम कमांड। ठीक है, एक और लाइव एग्जाम्पल दे देता हूँ, कि बंदा AWS एडमिन के ऊपर था, और उस बंदे ने मालूम क्या किया था, और ये लाइव एग्जांपल देना हो, विद इन 3 to 6 month की बात है। ठीक है, उसको परमिशन दी वाया IAM यूजर, ठीक है, उसके पास सारे एक्सेस थे, उसने क्या किया, लाइव एप्लीकेशन को डिलीट मार दिया। ठीक है, तो जो मॉनिटरिंग चल रही थी क्लाउड वॉच के ऊपर, तो अचानक से वो एप्लीकेशन ही दिखना बंद हो गई। ठीक है, फिर पता चला कि इस फला नाम के यूजर ने, ठीक है, डिलीट मार दिया, ठीक है, रिमूव कर दिया, तो ये सारे लॉग्स जनरेट होते हैं, पता चल जाता है। ठीक है, फिर उस बंदे को इमीडिएट फायर कर दिया गया, फिर 15 days में उसको वापस बुला लिया गया। क्यों, क्योंकि उसका एक वन ऑफ द कलीग था, उसको पता था कैसे बैकअप लेते हैं, तो सारा कुछ हो गया। तो इंडस्ट्री में ऐसी चीजें हो जाती हैं बाय डिफॉल्ट, बट परमिशन नहीं होती है, कहीं ना कहीं एडमिन से गलती हो जाती, सो ऐसा हो जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं फिर आरएम के सिंटेक्स के ऊपर, कैसे रिमूव करना है। ठीक है, तो सेम कमांड आप क्या करोगे, आरएम कमांड, देन यू कैन यूज हियर ऑप्शन। अब ऑप्शन क्या होगा, मैं आप बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ऑप्शन वी, ऑप्शन एस, ऑप्शन एफ, ठीक है, उसके बाद फाइल एंड फोल्डर नेम, कोई भी जो आप डिलीट करना चाहते हो। ठीक है, तो चलिए कुछ डिलीट करते हैं लाइव, सो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे डिलीट करते हैं। ठीक है, तो आ जाइए वापस से टर्मिनल के ऊपर, इसे मैं लॉग इन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारा फाइल फोल्डर बना हुआ था, क्रिएट करने की जरूरत नहीं, अब इसे डिलीट करते हैं वन बाय वन, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिलीट करना है, मैं एक डायरेक्टरी को डिलीट करता हूं। ठीक है, डायरेक्टरी मतलब ये आपको दिख रहा है ब्लू कलर में डायरेक्टरी, ठीक है, व्हाइट कलर में आपको दिख रही है फाइल है, ठीक है, ये आपको रेड कलर भी दिख रहा होगा, बोले सर ये रेड कलर क्या है, ठीक है, तो ये जिप फाइल है हमारी, ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। ठीक है, जब मैं आपको सिंबॉलिक लिंक बताऊंगा ना, तो उसमें आपको पता चल जाएगा लिंक, ठीक है, इस मतलब इसको फुल परमिशन है। ठीक है, बाकी आगे बात करेंगे, चलिए डिलीट करते हैं। जैसे मुझे डिलीट करना है दोस्तों P1 नाम की डायरेक्टरी, ठीक है, तो वाया आरएम कमांड आप क्या करोगे, P1, ठीक है, मुझे डिलीट करना है, तो आपने क्या किया और इंटर किया। ठीक है, तो आपसे क्या बोल रहा है, कैन नॉट रिमूव बिकॉज दिस इज अ डायरेक्टरी, तो डायरेक्टरी ऐसे डिलीट नहीं होती। तो डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए आप क्या करोगे, ऑप्शन का यूज करोगे। ठीक है, नाउ यूज rm-r, नाउ यूज p p1, ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है क्या
क्या आप डिलीट करना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो? देखो तरीका, देखो अभी मैं ना आपसे सारा का सारा रिलेट करके चलूंगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? मैं चाहूँ तो यहाँ पे आर वी एफ भी लगा दूंगा, मतलब वी फॉर वर्बोस, एफ फॉर फोर्सफुली, डिलीट हो जाएगा, आपको दिखा देगा, ठीक है? लेकिन अभी चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। यस करिए, या तो वाई प्रेस कर दो या फिर यस। अब आपसे पूछ रहा है इससे भी डिलीट करना चाहते हो, क्योंकि पी वन के अंदर दोस्तों एक और डायरेक्टरी पड़ी है, तो वो पूछ रहा है डिलीट करना चाहते हो? यस आई वॉन्ट डिलीट, मैंने किया यस। अब पूछ रहा है अरे यार इसके अंदर एक और डायरेक्टरी पड़ी हुई है, क्या इसको भी डिलीट करना चाहते हो? मैंने बोला यस, क्योंकि मुझे इसके अंदर जितना भी पड़ा सब डिलीट करना है। तो आपने क्या किया? यस। फिर पूछ रहा है कि क्या आप रिमूव करना चाहते हो? यस। अब यहाँ पे बोल रहा है देखो कि रिमूव रेगुलर एम्प्टी फाइल, इसके अंदर एक और फाइल पड़ी हुई है क्या, hp.txt की? फिर मैंने किया यस। अब आपसे फाइनली पूछ रहा है रिमूव कर दे लो, ठीक है? रिमूव हो गई। तो देखो इस डायरेक्टरी के अंदर जितना सारा डेटा था वन बाय वन पूछ रहा था कि आप सर डिलीट करना चाहते हो, मैंने बोला हाँ। देखो आपसे इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है, क्योंकि एक बार डिलीट हो जाएगी तो फिर बैकअप नहीं ले पाओगे, ठीक है? ये थोड़ा ड्रॉबैक है। एलएस करिए। चलिए देखिए p1 नाम की डायरेक्टरी है क्या यहाँ पे? अब p1 नाम की डायरेक्टरी नहीं है, ठीक है? एक तरीका ये था, डायरेक्टरी जब आप डिलीट कर रहे हो तो डायरेक्टली यू विल हैव टू यूज ऑप्शन हाइफन आर। अब एक फाइल भी डिलीट करके देख लेते हैं, ये रही modi.txt नाम की फाइल, ठीक है? तो इसको डिलीट करते हैं। तो डिलीट करने के लिए क्या करोगे आप, ls करिए और सीधे आप rm कमांड और modi.txt, ठीक है? डिलीट। अब आपसे पूछ रहा है डिलीट करना चाहते हो? यस आई वॉन्ट डिलीट, डिलीट हो गया। ls करिए, सिंपल, modi.txt भी गॉन, ठीक है? अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं, मैं अब यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन का यूज करता हूँ, ठीक है? ऑप्शन मतलब फोर्सफुली डिलीट करते हैं, ठीक है? फोर्सफुली मतलब एकदम फोर्सफुली डिलीट करते हैं। ऑप्शन नहीं पूछेगा आपसे कि आप यस करिए बार बार, ठीक है? तो चल के मैं डिलीट करता हूँ सुनील 1 2 3 4 5, ठीक है? सुनील डॉट टी एक्स टी नाम की फाइल को फोर्सफुली रिमूव करते हैं। नाउ यूज आरएम हाइफन एफ फॉर फोर्सफुली, राइट करिए सुनील डॉट टी एक्स टी, और कहाँ से कहाँ तक था, कर्ली ब्रैकेट 1.5, ये सारी की सारी मुझे डिलीट करनी है, ठीक है? इंटर करो, डिलीट हो गई फोर्सफुली, लेकिन इस बार आपको शो नहीं किया, ठीक है? तो कभी भी आप जब फोर्सफुली डिलीट करो मेक श्योर कि हाँ कंफर्म हो कि मुझे डिलीट ही करना है, राइट? एलएस करिए, देखिए सुनील नाम की जो फाइल थी वो गायब हो गई, राइट? वो डिलीट हो गई परमानेंटली, क्लियर हुआ? अब आगे चले, थोड़ा सा और दिखा देता हूँ मैं लाइव एग्जाम्पल। अब आप चाहते हो कि दोस्तों एक बात सुनो, मैंने यहाँ पे जब रिमूव किया था, ठीक है, सुनील नाम की डायरेक्ट रिमूव हो गया, लेकिन मुझे दिखाया नहीं, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि रिमूव करे फोर्सफुली लेकिन मुझे दिखा भी दे, ताकि मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हाँ डिलीट हो गया। तो आप क्या करोगे, आरम हाइफन, चलिए आर वी एफ लगा दीजिए सारा का सारा, वी फॉर वर्बोस, एफ फॉर फोर्सफुली। अब ये जो मैंने बनाया ना सीएम पंक, इसको डिलीट करते हैं, सीएम पंक से लेके 1 से लेके 20 तक है, ठीक है? इसको डिलीट करते हैं, सीएम पंक और 1-20, तो ये सारी फाइल डिलीट चाहिए। तो देखो डिलीट भी कर दिया, रिमूव किया और दिखा भी दिया, राइट? परमानेंटली रिमूव। एलएस करिए, सीएम पंक गायब, काफी स्पेस बच गया, ठीक है? तो ऐसे आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है? तो ये तरीका था, ऐसे आप ऑप्शन यूज करिए, डिलीट करिए। एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है? मास्टर नाम की डायरेक्टरी है। अब इसके अंदर देखो बहुत सारा डेटा हमारा पड़ा हुआ था, सीडी करके जाइए मास्टर नाम की डायरेक्टरी के अंदर और एक बार देख लो पहले है डेटा कि नहीं, ठीक है? इतना सारा डेटा पड़ा हुआ, अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप यूज कर रहे हो आरएम हाइफन आर मास्टर, तो आपसे बार बार पूछेगी इसके अंदर ये डेटा, मान के चलो 1000 फाइल पड़ी हुई है, 1000 डेटा पड़ा, तो ये 1000 क्या आप यस यस करोगे? नहीं, डायरेक्ट आप क्या करोगे, आरएम हाइफन आरएफ, ठीक है, वी फॉर वर्बोज भी लगा दो, किसको डिलीट करनी है, मास्टर नाम की डायरेक्टरी को। ले भाई सारा डिलीट हो गया, वो भी डिलीट हो गया, ठीक है? देख लीजिए मास्टर नाम की डायरेक्टरी हो गई गायब यहाँ से। तो ये तरीका डिलीट करने का, ठीक है? एक और दिखा देता हूँ डिलीट करने के लिए, किसी डायरेक्टरी के अंदर का डेटा उड़ाते हैं, ठीक है? सीडी करके टेम्पररी जो फाइल है कहाँ पे होता है, टेम्प के अंदर, एलएस करिए, ये सारा पड़ा हुआ टेम्पररी डेटा है, यहाँ पे टेम्पररी फाइल फोल्डर पड़ा हुआ है, ठीक है? अब मुझे इसको डिलीट करना है, तो कुछ मत करो, आरएम हाइफन आर वी एफ, मैं ऑप्शन इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि वी फॉर वर्बोज, एफ फॉर फोर्सफुली आपको दिखा देगा, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पे स्टार लगा दो, ठीक है? स्टार मतलब सब कुछ, इस डायरेक्टरी के अंदर जो भी है सब
डिलीट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट होते हैं ना, रूम शिफ्ट करते, तो रूम का सारा सामान वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। मकान मालिक बोलता है रिमूव कर लो, ले जाओ पूरा, तो ऐसे ही आरंभ कमा, ठीक है। अब मैं इंटर किया, रिमूव, चलिए एलएस करिए, कुछ भी नहीं है टैम्प के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों ये था आरंभ कमांड, कैसे डिलीट करते हैं फाइल, कैसे डिलीट करते हैं फोल्डर, ऑप्शन का कैसे यूज करते हैं, सारा हमने देख लिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आएगा आरंभ कमांड। और मेक श्योर, अगर आप प्रोडक्शन या इंडस्ट्री के अंदर बैठे हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो या फिर एक नॉर्मल यूजर हो, तो आपको परमिशन पता होगी, ठीक है, कि आपको क्या परमिशन है, सारे परमिशन है, ओनली फिर कुछ एग्जीक्यूट की परमिशन है, वॉट एवर। बाकी मैं आपको परमिशन में सारा कुछ बताऊंगा, लाइव सारा कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।